हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि इसकी रिजल्ट का डेट है जो फिक्स कर दिया गया है। बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग अगर पीटी की तैयारी चालू नहीं किए हैं तो चालू कर दें। अब चलिए, हम आपको जनसत्ता न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको बताते हैं कि ऑफिशियल उनको क्या बताया गया है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगी। दोस्तों, एक बात और मैं बता रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी का आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में जनरल कैंडिडेट वाले ने 500 रुपये अप्लाई किया था, तो उनका जो रिफ़ंड आने वाला है 390 रुपये। तो आपका जो रिफ़ंड आने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कुछ जोन का रिफ़ंड आ चुकी है और आप लोग का भी अगर नहीं आई है तो आ जाएगी। तो चलिए, हम आपको इस न्यूज़ को दिखाते हैं कि कब तक रिजल्ट ग्रुप डी का आएगा। दोस्तों, देख सकते हैं कि आज का ही न्यूज अपडेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है जल्द घोषित होगा आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम। तो देखिए, आपको इसके बाद आपको फिजिकल की तैयारी पीटी के लिए बुलाया जाएगा, इसमें यही लिखा हुआ है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि कब आएगी। देखिए, इसमें मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 63,000 जो पोस्ट थी उस पे आपका 27 या 28 फरवरी को परिणाम घोषित किया जाएगा। अब किस, आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत दिन से बताया जा रहा है, लेकिन देखिए इसमें क्या है। हालांकि बोर्ड ने एक अधिकारी को बताया था ग्रुप डी का परिणाम मार्च में घोषित किया जाएगा, लेकिन अब क्षेत्रीय बोर्ड के अधिकारी ने बताया है कि ग्रुप डी का परिणाम 28 फरवरी तक घोषित किया जाएगा। आरआरबी ने चुनाव आयोग का चरण आचार संहिता का हवाला दिया है, मतलब आप लोग भी जानते हैं इलेक्शन होने वाली है विधानसभा की, तो आप प्रक्रिया उससे पहले कोई रिजल्ट नहीं दिया जाएगा उस ड्यूरेशन में, या कोई एग्जाम नहीं होगी तो उससे पहले आपको दिया जाएगा। आप लोग भी जानते हैं जो 1.30 हज़ार जो है वैकेंसी, जो वो भी पहले ही भराया जा रहा है। तो आपका ये फिक्स है 27 या 28 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगी, तो इससे पहले घोषणा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको डेट बता दिया गया है। तो इस वीडियो में यही है, और इसको बता दूं कि अगर आप लोग पीटी की तैयारी नहीं किए हैं तो आप पीटी की तैयारी चालू कर दें, क्योंकि बहुत कम टाइम मिले, हो सकता है कि बहुत कम टाइम दिया जाए, तो आप लोग पीटी की तैयारी चालू रखें। और आपका जो रिफ़ंड जो अमाउंट था जो एग्ज़ाम अप्लाई किए थे, तो वो चालू हो चुकी है, अगर नहीं आया तो आ जाएगी बहुत जल्द। जो जनरल वाले के 500 रुपये अप्लाई करने के टाइम में थे, तो इनको 390 रुपये, और ओबीसी एसटी वाले के भी जो जिनके अनुसार से कट के आ रहे हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट अपडेट में आपसे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।